नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली डायरी न्यूज में। बॉलीवुड गलियारों से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जी हाँ, खबर देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की है। प्रियंका चोपड़ा ने सलमान की भारत फिल्म छोड़ दी है। खबर की पुष्टि फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जाफर ने की है। आपको बता दें, प्रियंका 2 साल बाद इस प्रोजेक्ट से बॉलीवुड में वापसी कर रही थी। अली अब्बास जाफर ने ट्वीट पर लिखा, हाँ प्रियंका चोपड़ा अब भारत का हिस्सा नहीं है। उनके ऐसे करने की वजह काफी स्पेशल है। प्रियंका ने हमें अपना फैसला बहुत कम समय में बताया है और हम उनके लिए काफी खुश हैं। टीम भारत प्रियंका चोपड़ा को बहुत सारा प्यार और उनके लिए खुशियों की दुआ करता है। मालूम हो कि फिल्म भारत के जरिए सलमान प्रियंका करीब एक दशक के बाद साथ काम करने वाले थे। अब्बास जफर ने ट्वीट से इशारा करते हुए प्रियंका चोपड़ा निक से शादी करने वाली हैं। उन्होंने अपने ट्वीट की इस लाइन, शी टोल्ड अस इन द निक ऑफ टाइम अबाउट हर डिसीजंस एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर हर, में निक का नाम लिया है। वैसे भी अटकलें पहले से थीं कि एक्ट्रेस अपने विदेशी बॉयफ्रेंड से शादी कर सकती हैं। हाल ही में प्रियंका ने निक को अपनी माँ और बाकी परिवार वालों से भी मिलवाया था। भारत छोड़ने को लेकर भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में एक्ट्रेस की शादी का ही हवाला दिया जा रहा है। भला हम तो यही कहेंगे, अगर प्रियंका शादी करने वाली है तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। हमारी तरफ से भी प्रियंका को बहुत बहुत शुभकामनाएं।